Shri Swami Samarth. Om Shri Swami Samarth. Om Swami Samarth. Shri Swami Samarth. Om Swami Samarth. Shri Swami Samarth. Swami Maya Bapa, Kripa Kariyata. Swami Maya Bapa, Kripa Kariyata. Swami Samarth, Swami Samarth, Swami Samarth, Swami Samarth. Om Swami Samarth, Shri Swami Samarth. Om Swami Samarth, Shri Swami Samarth. Om Swami Samarth. Swami Samarth, Om Swami Samarth, Shri Swami Samarth, Om Swami Samarth, Shri Swami Samarth. लोग ऐसा कहते हैं करदली वन में गुप्त हुए नृसिंह सरस्वती ने ही अवतार ले लिया और वो ही आगे चलकर अक्कलकोट में स्वामी समर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुए. महाराज मुझे माफ कीजिए, महाराज मुझे माफ कीजिए. डरो मत, हमारी समाधि भंग करने के लिए ही तुम्हारी योजना हुई है. हमारी समाधि भंग करने के लिए ही तुम्हारी योजना हुई है. नहीं नहीं नहीं, नहीं। महाराज मुझे माफ कीजिए. उठो, आने वाले समय में तुम्हें सुख समृद्धि और आरोग्य लाभ होगा. श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ.
हे भगवान, चार दिन हुए ये ज्वर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस जगन्नाथपुरी की यात्रा को आया तो हूँ, लेकिन चार दिन इस ज्वर की वजह से बिना खाए पिए ऐसे ही पड़ा हूँ। हे भगवान, लगता है इस जगन्नाथपुरी में बिना कुछ खाए पिए ही मेरे प्राण निकलने वाले हैं। नहीं, मुझे इस शरीर की आसक्ति नहीं है, ये तो कभी ना कभी छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान, कम से कम इन आखिरी क्षणों में तुम्हारा दर्शन हो जाए, यही इच्छा है। हे भगवान, अलौनी बुआ, ओ अलौनी बुआ, कौन है? उठिए, सुबह हो गई। श्रुति स्मृति न वक्तव्ये, केवलम गुरु सेवनम। तेवै सन्यस्सिनः पोक्ता इतरे वेशधारिणम्। वाह वाह, हे अवधूत, इस पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाला और अपने ज्ञान की तेज से चमकने वाला एक तू ही तो है। तुम्हारा देखना ही सब कुछ है, दृष्टा ही तू और दृश्य भी तू। इसी दृष्टि से तुम पूरे विश्व को देखते हो। प्रेम, ज्ञान, आनंद, सब कुछ तुम ही हो। अड़ौड़ी बुआ, हमारी स्तुति बस हो गई अब। अरे आप ठीक हो गए, उठिए अब। हाँ महाराज, मैं जीवन की अंतिम घड़ियां ही तो गिन रहा था, लेकिन आपके दिव्य दर्शन से मैं ठीक हो गया। बहुत सालों में ऐसा चमत्कार सुनने में नहीं आया था। आप कौन, कहाँ से आए हैं? अरे हमारा वास अखंड विश्व में होता है। सह्याद्री, करवीर, गिरनार, काशी क्षेत्र, गाणगापुर, औदुम्बर, ये हमारे विशेष प्रीति के स्थान हैं। महाराज, पड़ोस में ही मेरा घर है। मेरे घर में आज पंच पकवान का भोजन बनाया है। आप दोनों मेरे घर भोजन के लिए आइए। स्वामी महाराज, मेरी भूख की चिंता भी मिटाई आपने। सचमुच आप धन्य हो, त्रिकाल ज्ञानी हो। स्वामी महाराज, ये पुरी की यात्रा विलक्षण है। इस यात्रा में धनिक, गरीब, सब तरह के लोग आते हैं। लेकिन क्या हर एक के मन में परमेश्वर का वास होता है? अलोड़िया, अरे तुम्हारा मटका अभी तक कच्चा ही है रे बाबा, थोड़ा सेक लो। क्षमा करें स्वामी, मुझसे भूल हुई। लेकिन आप जैसा गुरु होने पर अहंकार तो होगा ही। अरे पागल, ऐसी यात्राओं में, कुंभ मेलों में अनेक पुण्यात्मा आते रहते हैं, वो हमें मिलते रहते हैं। और देखो अलौण्या, हमें ज्ञान की चार बातें पता चलने पर औरों को मूर्ख नहीं समझते बाबा। क्षमा क्षमा करे स्वामी। अरे हर कोई अपने मार्ग पे चलता है। शिव शंकर शंभो नमामि, शंकर शिव शंकर शंभो, हे गिरिजापति भवानी, शंकर शिव शंकर शंभो। महाराज मुझे बचाइए महाराज। अरे हुआ क्या है आपको? क्या बताऊं मेरी फूटी कहानी। इस साल की यात्रा में पत्नी के साथ पुण्य कमाने के लिए मैं आया था, लेकिन यात्रा में मेरी पत्नी खो गई। अरे आपने ठीक से देखा नहीं होगा। अड़ावण्या, तुम चुप बैठो। महाराज
मैं गृहस्थी के सुख से वंचित हो जाऊंगा। इस गरीब की गृहस्थी पत्नी के बिना तो अधूरी है। इस गरीब पर दया कीजिए महाराज। ये बूढ़े 80 साल के हो गए हो, तुम्हारी काम वासना कब मिटेगी? अरे मृत्यु समीप आ गई है तुम्हारी, शरीर कांपने लगा है तुम्हारा, तुम्हारा मनोजय कब होगा? अरे इंद्रिय शिथिल हो गए तुम्हारे, तुम कौन, कहां से आए, कहां जाओगे? विषय भ्रांति का मोह छोड़ो मूर्ख, मेरी पहचान भूल गए? स्वामी, साक्षात नरसिंह सरस्वती, पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई। स्वामी, मैं आपका भक्त था। क्यों, याद आया सब कुछ? महाराज, महाराज मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी आंखें खुल गई। मुझे अब गृहस्थी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ ले चलिए। अरे पागल हो तुम, वो देख देख, तेरी पत्नी वापस आ रही है। स्वामी स्वामी, धन्य हो आप, आपकी लीला अगाध है, हम पामरों को ये कैसे समझेगा? जाओ, इस गृहस्थी के मोहजाल से मुक्त हो जाओ और भक्ति मार्ग पर चलो। जाओ। स्वामी आप कहाँ चले? हरि के घर, हरिद्वार को। पर आड़ौनिया, तुम वहां नहीं आ सकते, समझे? स्वामी महाराज। अरे अरे अरे, मत मारिए, मत मारिए मुझे, मारो मत मारो, क्यों मार रहे हैं? अरे अरे मत मारो हमें, मत मारिए। अरे उनसे कुछ मत कहो, कुछ भी मत बोलो उन्हें। अरे मत मारिए हमें, इस अरे हमें इस गांव में रहने नहीं देंगे। अरे हे भगवान, अरे मुक्ति दिलाओ इन यातनाओं से, इस गांव में होने वाली छल और मारपीट से अच्छा मैं मर ही जाऊं। हमें हमें सुख से मौत भी नहीं आएगी। अरे ये महारोग होने से पहले इस हरिद्वार में हम प्रतिष्ठित माने जाते थे, तब कैसा बर्ताव था? हाँ नहीं, अब ये यातनाएं नहीं सही जाती। भगवान ऐसा कब तक चलता रहेगा? अरे हमारे नसीब में तो एक वक्त की रोटी भी नहीं। आप कौन? महाराज, 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 आप धन्य हो, महाराज, आप धन्य हो, महाराज, महाराज, आप कौन हो महाराज? हम यजुर्वेदी ब्राह्मण, हम नृसिंह भान, मूल पुरुष वटवृक्ष, दत्तनगर। शिव हरे शंकर नमामि, शंकर शिव शंकर शंभो, हे गिरिजापति भवानी, शंकर शिव शंकर शंभो। दिगंबर स्वामी, आप और मेरे घर? अरे ओ सुनती हो, जल्दी बाहर आओ, दिगंबर स्वामी आए हैं। अरे अरे महाराज, प्रणाम करती हूँ। महाराज, दामाजी पंत की समाधि के पास आप ध्यानस्थ रहते हो, क्या मालूम वहाँ भोजन मिलता है या नहीं, इसलिए एक विनती है। बोल। इस गरीब के घर भोजन कीजिए। अरे देख क्या रही हो, जल्दी से महाराज के लिए कुछ फल वगैरह लेके आओ। यहाँ ही सुनिए, मुझे भी लगता है स्वामी हमारे घर से पेट भर खाना खा के जाए, लेकिन आप तो हमारे हालात जानते हो ना, आज घर में कुछ भी बाकी नहीं है। नहीं जी,
माते, मुझे तो दूध की दशमी भी चलेगी, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलेगी आपको? सुनो, मैं अभी बाजार जाती हूँ और दूध लेके आती हूँ। महाराज, आप बैठिए, मैं आप ही आती हूँ। महाराज, घर में गाय तो है, लेकिन वो भाकड़ है, 4 साल से एक बूंद भी दूध नहीं दिया। जाओ, घर में जाकर बर्तन ले आओ और इस गाय का दूध निकालो। मुझे इसी का दूध चाहिए। लेकिन महाराज, कहाँ ना जाओ। माता गायत्री, ये तुम्हारा मालिक दरिद्री है, उसे दूध देना ठीक है? जाओ जाओ, दूध निकालो। ने भाकड़ गाय से दूध निकलवाया। जाओ, मुझे इसी दूध की दशमी लाकर देना। हाँ महाराज, अभी लेके आती हूँ। आज से तुम्हारा दारिद्र्य समाप्त। महाराज, बसप्पा जी। महाराज, तुम घर बार छोड़कर मेरे पीछे ऐसे जंगल में क्यों घूम रहे हो? बाबा, आपकी सेवा के लिए महाराज। बीवी बच्चों को छोड़कर? आपके चरणों के आगे वो कुछ भी नहीं। अरे बसप्पा, तेरे घर में खाने के लिए अन्न नहीं, इसीलिए तेरी पत्नी बहुत काम करके कष्ट से दिन काट रही है। जा बाबा, जा घर जा और ठीक से घर बार संभाल। मुझे ऐसे दूर मत करो महाराज, मुझे आपके चरणों में रहने दो। ठीक है तो चलो मेरे साथ, पर एक चीज ध्यान में रखो, कुछ भी हो जाए पर डरना नहीं। चलो। महाराज, सांप। क्या हुआ? सांप, सांप। अरे तो इतना डरते क्यों हो? जितने चाहिए उतने ले लो, कहाँ ना ले लो। चलो। अरे क्या खाने को दूं तुम्हें? गांव में काम मिलना भी मुश्किल हो गया है और तुम्हारा बाप दिन रात उस स्वामी के पीछे पीछे भागता रहता है। आइए, आज याद आई घर की? खुद के बीवी बच्चे जिंदा है या मर गए वो देखने के लिए तो आते? उस स्वामी के पीछे, वो महाराज के पीछे घूमो और रात दिन। महाराज के बारे में ऐसे क्या बोलती रे? कितने बड़े सन्यासी महाराज वो। हाँ, खुद तो सन्यासी है लेकिन घर बार छोड़ के तुम्हें अपने पीछे घुमा रहे है ना? और ये क्या लाया अपने साथ? महाराज के साथ घने जंगल में गया था ना, वहाँ सांप दिखा, महाराज ने उसमें से एक सांप लेने को बोला, मैंने लिया। अच्छा, सांप। अब उसका जहर निकाल के हमें पिला दीजिए और उसके बाद भागते रहिए उस स्वामी के पीछे पीछे। रुको, तुम्हें दिखाता हूँ। सोने का सांप, चमत्कार हो गए। अरे बाप रे, सोना। लेकिन आपने तो बताया था सांप है,
सांप का सोना कैसे हो गया? महाराज, आपकी लीला आगा दे महाराज, आगा दे। महाराज, मैंने बिना सोचे ही आपको भला बुरा कह दिया, है ना जी? चल चल, हम जाके उनका दर्शन लेते हैं। चल हाँ, चल, हाँ, चलो चलो। महाराज श्री स्वामी समर्थ। महाराज, महाराज चमत्कार हो गया, देखो ये सांप का सोना हो गया, देखो सांप का सोना हो गया महाराज। बसप्पा, अरे तुम्हारे इतने बरसों के भक्ति का ये फल है। महाराज, महाराज मेरी गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। जाओ अभी जाओ, अच्छे से गृहस्थी करो। महाराज, मुझे ऐसे दूर मत करो, मुझे आपके चरणों में रहने दो। बसप्पा, अरे मेरा चिंतन, मेरा नाम स्मरण, ये भी भक्ति ही है। जा बाबा जा, तेरी पत्नी ने अभी तक बहुत गरीबी में दिन बिताए हैं, उसे सुखी रखो। हमारा यहाँ का वास्तव्य अब समाप्त हुआ। लेकिन महाराज, अब आप कहाँ जाओगे? मालूम नहीं। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदा, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोकृपा। ये तो गहरी नींद में लगते हैं, मुझे गांव में जाना है, अब क्या करें? ये तो इतनी जल्दी उठने वाले नहीं, मैं मेरे काम निपटा के आता हूं। जय जय रघुवीर समर्थ। महाराज अंदर सोए हैं, उन पे ध्यान रखना, उन्हें जाने मत देना और दरवाजा मत खोलना। दरवाजा बंद किया था तो ये बाहर कैसे निकले? नहीं नहीं,
लगता है ये कोई सिद्ध पुरुष है। दरवाजा खोला था? नहीं। अरे मूर्ख, ये नारंगी कफनी कौन ले जाएगा? महाराज, महाराज, महाराज आप धन्य हो। ओम श्री स्वामी समर्थ। ओम स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, ओम स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। स्वामी माया बापा कृपा करियाता, स्वामी माया बापा कृपा करियाता, समर्थ स्वामी समर्थ, स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ, ओम स्वामी समर्थ, श्री 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 स्वामी समर्थ। उसके बाद मंगलवेढ़ा में स्वामी ज्यादा दिन नहीं रुके। स्वामी मंगलवेढ़ा से मोहोल मार्ग से सोलापुर गए। सोलापुर में उनकी भेंट अप्पा टोल नाम के एक सद्गृहस्थ से हुई। ये सचमुच कोई सिद्ध पुरुष लग रहे हैं। मैं सिद्ध पुरुष रहूंगा या और कोई रहूंगा, तुम्हें इससे क्या मतलब? बाप रे, ये तो मन की बात पढ़ लेते हैं। ये सच में कोई अंतर्यामी लग रहे हैं। मैं मन की बात जानने वाला रहूंगा या ना रहूंगा, तुम्हें इससे क्या है? यतिराज, यतिराज आप कोई सामान्य पुरुष नहीं लग रहे हो। इस सोलापुर में आप नए लगते हो। मैं चिंतोपंत टोल, आप मेरे घर आके मुझे पावन कर दो महाराज। महाराज ठीक है, चलो। स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दाजीबा आओ ना, बैठो। क्यों चिंतोपंत, आपके यहाँ कोई स्वामी जी आए हैं? हाँ। दत्त मंदिर के यहाँ धूल और मिट्टी में बैठते हैं वही ना? अरे लोग उन्हें पागल कहते हैं, पर वो महान विभूति है। आपने उन्हें भोजन पे बुलाया है? हाँ, तो क्या हुआ? अरे क्या हुआ मतलब, आपके स्वामी जी कहीं भी खाना खाते हैं, उनको उच्च नीचे का कोई भी विधि निषेध नहीं। आपका उनके साथ भोजन करना शास्त्र निषिद्ध है। अरे लेकिन अब मैं क्या करूं वो बताओ ना। आपके उस स्वामी की कोई अलग भोजन व्यवस्था करो। ऐसे ही करता हूं अब मैं। स्वामी, स्वामी कहां चले? जहां से आया था वहीं। स्वामी भोजन करके जाओ। नहीं, तुम्हारे मन में विकल्प आया, अब मैं तुम्हारे घर खाना नहीं खाऊंगा। स्वामी, स्वामी, स्वामी क्षमा कीजिए मुझे, हमारी भक्ति कच्ची होती है स्वामी। स्वामी भोजन करके जाइए, भोजन करके जाइए स्वामी। स्वामी आपकी लीला अगाध है स्वामी, स्वामी आप महान हो स्वामी।
अरे लेकिन हुआ क्या वो तो बता। अरे अन्ना, सुबह स्वामी भोजन कर रहे थे, इसीलिए कचहरी जाने के लिए मुझे थोड़ी सी देर हुई। तब मुझे लगा हमारे दफ्तरदार पीताम्बर साहब गुस्सा होंगे ना। वो तुम्हारा कौन वो साहेब गोल्ड फिंच, वो भी ऐसे ही करता है ना। अरे वही तो कह रहा हूँ, मुझे कचहरी पहुँचते पहुँचते 11:30 हो गए। हाँ। तो मैं हेड क्लर्क साहब के पास गया और उनसे क्षमा मांगी। तो वो क्या बोले, माफी किस लिए मांग रहे हो, तुमने मुझसे पहले ही आके रजिस्टर में नाम लिख दिया। क्या कह रहे हो? अरे सचमुच ये सब स्वामी जी की कृपा। जय स्वामी, जय स्वामी। स्वामी आपकी लीला अगाध है। स्वामी, अक्कलकोट के श्रीमंत शाहजी भोसले, इन्होंने उनके संस्थान में कारभारी के पद पे मुझे नौकरी पर बुलाया है स्वामी। अब मुझे सोलापुर छोड़ना पड़ेगा स्वामी, एक प्रार्थना है स्वामी, आप भी मेरे साथ अक्कलकोट चलिए। अक्कलकोट में बहुत गर्मी है, हम नहीं आएंगे। स्वामी तो कब आ सकते हैं आप? बरसात के बाद। बरसात में हम आएंगे। महाराज के इन शब्दों का अर्थ कुछ अलग ही था। 1857 की शुरुआत में अक्कलकोट संस्थान के संस्थानिक गुजर गए, उनकी जगह मालोजी राजे भोसले ने ले ली। उसके बाद महाराज अक्कलकोट आ गए। वो अप्पा टोल के घर में नहीं रुके, वो गांव में कहीं भी रहते थे। शिव हरे शंकर नमामि, शंकर शिव शंकर शंभो। कोई हिंदू साधु लगता है? अरे मुझे तो पागल लगता है। वैसे भी अक्कलकोट में पागलों की कमी नहीं। देखना, 3 दिन से यहाँ बैठा है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। अरे ये तो खत्म रेल। चल इस पागल का थोड़ा मजाक उड़ाते हैं। चल। महाराज सुनील पियोगे? ये तो सचमुच का अवलिया है, मैंने इन्हें भूखा रखा, बड़ी गलती हो गई। अरे अब क्या करें? अब हम इसे चोलप्पा के पास लेके चलते हैं। वहाँ क्यों? ये हिंदू साधु है, हम मुसलमानों के हाथ का खाना नहीं खाएगा। चलो तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है महाराज, चलिए। ओम चोलप्पा। कौन, क्या है? एक हिंदू साधु है, 2-3 दिन से भूखे हैं, उन्हें थोड़ा खाना। हाँ 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 हाँ, तुम वहीं रुको, उन्हें भेज दो। महाराज आइए ना, आइए महाराज, आइए महाराज, आइए। रिसालदार कहाँ है? रिसालदार कहाँ है? वो बाहर ही रुके हैं। वहां क्या कर रहा है? ए, अंदर आओ। अरे अंदर आओ।
आगे आओ। अरे आगे आओ, बैठो। ए चोड़िया, बैठो बैठो। इसे पकड़ो। अरे डरो नहीं, इसे पकड़ो। अरे इसे पकड़ो। मुंह खोलो। अरे मुंह खोलो। चोड़िया मुंह खोलो। अरे मुंह खोलो। अरे आप देख क्या रहे हो, मुझे खिलाओ। अरे मुझे खिलाओ। हम हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करते। स्वामी, अब आप मेरे ही घर रहिए। चोड़िया जी, तुम्हारा और मेरा नाता बहुत पुराना है, समझे? जी स्वामी। स्वामी, इस जन्म में भी मुझे आपकी सेवा का अवसर दीजिए। मैं अक्कलकोट में ही रहूंगा, पर तेरे घर में नहीं रह सकता। स्वामी, स्वामी मगर वैसी कोशिश करोगे तो सर पे लाठी मारूंगा, समझे? स्वामी, आप इस विश्व के पालक, जहां आपकी मर्जी हो वहां रहिए, लेकिन स्वामी इस सेवक को अंतर मत दीजिए। ठीक है, रहूंगा मैं कुछ काल तेरे पास। स्वामी, शिवहर शंकर नमामि, शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी, शंकर शिव शंकर शंभो। स्वामी, स्वामी क्या हुआ? स्वामी कुछ चाहिए क्या? स्वामी, स्वामी ये क्या, रोटियां बना रही हो? हाँ। अरे अरे अजय, क्या कर रहे हैं आपके ये स्वामी? देखो अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी। देखो तुम कुछ मत कहो, उनको जो करना है वो करने, तो तुम कुछ मत बोलो। अरे अरे तुकाराम बुआ, पांच पांच मील चलकर पानी भर के लाई थी मैं। देखो देखो, चाहिए तो कल से मैं पानी भरूंगा, मगर उनको कुछ मत बोलो। रहने दो रहने दो, पहले अपने इस स्वामी को संभालो। चले जाओ यहाँ से। अरे चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, जाओ जाओ जाओ, चले जाओ, चल 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 चल, चले जाओ। हाँ आइए, हाँ आइए, जरा संभाल के पैर संभालिए।
आइए संभाल के। स्वामी ये सुंदरा भाई ये आ गए और एक बचा हुआ हिसाब पूरा करने। स्वामी मैं सोलापुर से आई हूँ जी। पैर में बहुत दर्द है। कितने व्रत किए इतने इलाज किए फिर भी ठीक नहीं हो रहा। पैर ठीक होने में कुछ समय लगेगा। हे भगवान। स्वामी मैं यही रहती हूँ ना, आपकी सेवा करूंगी। जी स्वामी जी, इनका भी कोई नहीं, रहने दो आपकी सेवा में। चोड़िया इस औरत को बिल्कुल घर में नहीं रखना, समझे? ये औरत कुछ दिनों बाद सर पे चढ़ जाएगी तुम्हारे। नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, स्वामी जी बीच बीच में मजाक करते हैं, रहने दो स्वामी जी। महाराज महाराज भक्त पे कृपा कीजिए, महाराज भक्त पे कृपा कीजिए। बहन जी आप अपनी व्यथा बताइए, महाराज सब सुन रहे हैं। महाराज ये मेरा बेटा व्रतबंध के पहले ये देख पाता था, अभी कुछ भी नहीं देख पाता ये। महाराज कृपा कीजिए और दृष्टि लाभ का कुछ उपाय बताइए महाराज। ए औरत क्यों मुझे परेशान कर रही हो, चलो निकल जाओ। पांच दैत्य आते हैं और हमारी परीक्षा लेने की सोचते हैं। दैत्यों का कुल भ्रष्ट। महाराज बोलते वो यही है क्या? क्या रे वो तेरा महाराज है? वेद आते हैं क्या उनको? वेद क्या सिर्फ दिखावा? अरे गणेश, ए गणेश उठो यहाँ आओ। इन दुष्टों के प्रश्न का उत्तर उन्हें अच्छे से दे दो। महाराज मुझे कुछ नहीं आता महाराज, क्या बताऊँ महाराज, क्या बताऊँ मैं। महाराज मुझे सब दिख रहा है महाराज, महाराज मुझे सब दिख रहा है। माँ मुझे सब दिख रहा है। स्वामी महाराज की जय। स्वामी महाराज की जय। महोदय आप यहाँ स्वामी का अपमान करने हेतु आए थे। भगवत गीता में 9वे अध्याय में भगवंत ने इस स्थिति का सुंदर वर्णन किया है। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। अर्थात इस प्रकार जो मोहित हो जाते हैं वो राक्षसी और नास्तिकवादी विचारों की तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसी मोहित अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म और उनका ज्ञान ये सब निष्फल हो जाता है, निष्फल हो जाता है, निष्फल हो जाता है। महाराज गलती हो गई महाराज, गलती हो गई, गलती हो गई महाराज। अरे ये तो प्रत्यक्ष परमेश्वर और हम यहाँ परमेश्वर की परीक्षा लेने आए। गलती हो गई महाराज। हम किसी भी जाति के लोगों के पास जाकर अन्न भक्षण करते हैं
इसलिए हमारी परीक्षा देखने आए थे। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए महाराज। उठो उठो, जाओ जाके गंगा स्नान करो और भागवत धर्म का प्रसार करो। जो, जो जय महाराज, जय स्वामी महाराज की जय। स्वामी जी, आपका खाना ऐसे ही रह गया, आपका ध्यान रहता किधर है हमेशा? ये बराबर है क्या? नहीं 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 नहीं, नाना साहब आप थोड़े पीछे हो जाइए। हाँ ये बराबर है, ये बराबर है, बराबर है, बराबर है। अरे अरे स्वामी स्वामी, ये क्या है? अरे पलटन तैयार कर रहा हूँ। ये बराबर, आप बराबर आ गया। सावधान, होशियार, अक्कलकोट नरेश, सिंहासनाधिपति मालोजी राजे भोसले पधार रहे हैं। अक्कलकोट में आप जैसी थोर विभूति आई और हमें पता भी नहीं चला। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए महाराज। आरामखोर, तुम्हारे जैसे सुल्तान हम रोज पैदा करते हैं। देखो तुम सुल्तान हो अपने घर में, यहाँ होशियारी नहीं चाहिए। महाराज क्षमा कीजिए, महाराज क्षमा कीजिए। महाराज हमारी कोई संतान नहीं है, स्वामी स्वामी आप ही कृपा कीजिए। कंगन लाओ। आपको लड़की होगी ऐसा स्वामी जी ने कंगन देके बताया है आपको। स्वामी जी ये क्या कर रहे थे किसी के समझ में नहीं आया, लेकिन भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण घटना 1857 की क्रांति की उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। ये बात लोगों ने बहुत देर बाद जानी। सो रहे, बैठो। अरे वो भाई चिल्ला क्यों रही है? चल 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 चल, भाग भाग भाग। अरे 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 अरे, क्या हुआ आपको? देखिए ना, चल चल चल, क्या हो गया इनको? भाई भाई डरो मत भाई, क्या हो गया इनको? आराम से आराम से। अरे क्या हो गया? रखो यहाँ पे, रखो यहाँ पे। अरे क्या हुआ इनको? अरे कुछ कीजिए ना, अरे कुछ तो करो। ओ भाई रो मत, महाराज सो रहे, महाराज उठे तो गुस्सा करेंगे हम पे। पर हुआ क्या है इनको? खेत में सांप ने काटा इनको। हाँ तो फिर गांव में कोई हकीम नहीं है क्या? नहीं कोई भी नहीं है। आप ही कुछ कीजिए ना। अभी भाई हम क्या करेंगे? महाराज जगे होते तो वो कुछ करते, अभी उनको जगाने की हिम्मत है किसी में? ऐसे मत बोलिए, इनके उमर देखिए, उम्र है क्या?
आप रुको, मैं महाराज की पादुकाएं लेके आता हूं, उससे कुछ होता है क्या देखते हैं। हाँ रामखोर नालायक घोसड़ी के, इस मुर्दे के सर पे जूते रखने के लिए तुम्हें कहां किसने? क्या देखते हो उसके कान में? जोर से उसका नाम बताओ। ए औरत, इसका नाम क्या है? अरे नाम क्या है उसका? रमंडा। ए चलो उसके कान में दो बार नाम बताओ जोर से। रामन्ना। जोर से बताओ। रामन्ना। अरे दोनों कान में बताओ, जोर से बताओ। ए रामन्ना। पुंडली कवर्दे हारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। बोला पंडिरनाथ महाराज की जय। विवेक चूड़ामणि जगतगुरु श्री शंकराचार्य ने सद्गुरु के गुण बहुत अच्छे से बताए हैं। महाराजा, श्रोत्रिय, अजावृत्त और अहम मका, ये गुण हैं। गुरु ये श्रोत्रिय होना चाहिए। अगर कोई आदमी अच्छा बर्ताव करता है तो क्या हम उसे गुरु मानते हैं? नहीं। अभी बहुत बार हम देखते हैं कि आदिवासी लोग भी शरीर पे वस्त्र नहीं पहनते, इसलिए हम उन्हें गुरु तो नहीं मानते ना। ये वैसे ही है, जो क्षुद्र नहीं वो गुरु। अभी कोई गुरु पढ़ा लिखा भी होगा लेकिन उसकी शिक्षा क्या है? हमारे जगत गुरु संत तुकाराम महाराज वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। संत तुकाराम महाराज खुद को वेद व्यासंगी कहते थे। उनकी खुद की एक रचना थी, वेदांसा तो अर्थ आमासाच ठावा, वीरानी वाहवा भार सदा। इसी तरह उपासक के पास विवेक, विमोग, कल्याण, अनवसाद और गुरु, ये पांच तत्व होते हैं। मंडली, इस भवसागर को पार करने के लिए हमारी मदद कौन कर सकता है? महाराज श्री महाराज 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 आप धन्य हो, महाराज आप धन्य हो। स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। अक्कलकोट के संस्थानिक मालोजी राजे और उनकी रानी स्वामी जी की भक्त बन गई और वो स्वामी जी को राजमहल ले गए, जिसके कारण सामान्य नागरिकों को स्वामी जी का दर्शन करना कठिन हो गया। घर में कोई है क्या? अरे घर में कोई है क्या? कौन है आप? कौन? मैं बाड़प्पा। हाँ। गांगापुर से आया हूँ। ऐसे क्या? स्वामी समर्थ यही रहते हैं क्या? हाँ आइए ना, गुड़ पानी देता हूँ। नहीं रहने दो। हाँ क्यों? स्वामी समर्थ कहाँ मिलेंगे? स्वामी को राजमहल में रखा है रानी साहब ने। आप कहाँ से हो? धारवाड़ के यहाँ हवेरी नाम का गांव है। अच्छा। मैं वही रहता हूँ। ऐसे क्या? हमारा वहाँ बड़ा व्यापार है, सब कुछ है, लेकिन अब उसमें मेरा मन नहीं लगता। पैसों का क्या है, जितना कमाया जाए उतना कम ही है। हाँ। आदमी को परमार्थ भी करना चाहिए ना, इसलिए सब छोड़ दिया, गांगापुर जाके गुरुचरित्र के अनुष्ठान किए। फिर स्वामी के बारे में किसने बताया? उन्होंने खुद बताया।
खुद ने? मतलब? स्वामी जी ने सपने में आके मुझे दृष्टांत दिया और बोले, यहाँ गांगापुर में क्या कर रहे हो? वहाँ अक्कलकोट में मैं प्रत्यक्ष रहता हूँ, वहाँ आ जाओ। धन्य स्वामी। स्वामी जी का दर्शन अब कैसे मिलेगा? नहीं, वो थोड़ा मुश्किल है। क्या है, स्वामी राजमहल में है और पुरुषों को राजमहल में जाने की अनुमति सिर्फ गुरुवार को है। मतलब? ऐसे क्यों? ये सब वो सुंदराबाई की मर्जी। मतलब? समझ जाओगे, आजकल स्वामी पे उसी का अधिकार है, इसलिए मेरी भी नहीं चलती। और आजकल रानी सरकार भी उसी की सुनती है, इसलिए सुंदराबाई जो कहे वो कायदा। मैं राजमहल जाके देखता हूँ स्वामी जी का दर्शन होता है कि नहीं। लेकिन सुनो तो, अगर महाराज नहीं मिले तो रहने के लिए और खाने के लिए यहीं आना। स्वामी जी का दर्शन होने तक अब भोजन नहीं करूंगा। स्वामी समर्थ है माझे तन मन, स्वामी समर्थ है माझे तन मन, आका सर्व काही स्वामी माझे, आका सर्व काही स्वामी माझे। बस। अरे मेरा परम शिष्य आर्त स्वर में मेरी प्रार्थना कर रहा है, और ऐसी पूजा मेरे किस काम की? स्वामी माझे, स्वामी समर्थ है माझे तन मन, स्वामी समर्थ है माझे तन मन, आनंद निधान स्वामी माझे, आनंद निधान स्वामी माझे। बाळ्या, बाळ्या। स्वामी, स्वामी। बाळ्या, 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 कितने दिन दूर थे तुम मुझसे, और गाणगापुर में क्या कर रहे थे? स्वामी जी, आप वहां राजमहल में थे, हम भक्तों को आपका दर्शन दुर्लभ हो गया। अरे उस रानी की कौन परवाह करता है, चलो चलो। और तुम्हें तुम्हें अनुष्ठान करना है ना, फिर मेरे नाम का जाप करो और हमारे हक के मारुति मंदिर में जाकर बैठो। क्या? जैसी आज्ञा स्वामी। और ये देखो, जाप का हिसाब रखना। जी। जाओ। ए चोळ्या, चोळ्या, ए चोळ्या, स्वामी आप आ गए? स्वामी, स्वामी, मेरी पत्नी, उसके हाथ को बिच्छू ने काट लिया है महाराज। उसे बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए स्वामी जी। हद तेरे की भोसड़ी के, आते ही झंझट शुरू हो गई। स्वामी वैसे नहीं, मगर ये लो, डालो हाथ जूते में। हाँ, पहनो पहनो पहनो, उसे दर्द थोड़ा कम होगा। अच्छा लग रहा है स्वामी? स्वामी ये बेचारा बहुत दिनों से पेट दर्द से परेशान है, हैरान है, लेकिन लेकिन आपको कैसे बताए, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही। क्या रे, हम क्या तेरे बाप के नौकर लगते हैं? अरे क्यों बाबा इस सन्यासी के पैर में आकर मरते हो? महाराज, महाराज, अब हमें आपका ही आदर है महाराज, अनाथ पे दया करो महाराज। जाओ जाओ, बाहर जाओ और उस नीम के पत्ते खाओ। जाओ जाओ। जैसी आज्ञा। Thank you.
लगता है हाथ ठीक हो गया। अरे अच्छा है, स्वामी जी की कृपा। महाराज पत्ते बहुत कड़वे हैं। अरे मूर्ख, नीम के पत्ते तो कड़वे ही होते हैं। जा जा उस दूसरी टहनी का खाकर देख। जा जा जा। हे भगवान। क्या हुआ? हे भगवान, आजी हाथ में फिर से दर्द होने लगा है। जूते में डालो। अरे उसमें डालो ना हाथ, क्यों निकालते हो बाहर? जी हाँ। चमत्कार हो गया, दूसरे टहनी के पत्ते बहुत मीठे हैं, शक्कर जितने मीठे। अरे क्या कहते हो? हाँ। नीम के पत्ते और हाँ। मीठे दिखाओ। महाराज महाराज आपकी कृपा से मेरा पेट दर्द भी एकदम ठीक हो गया महाराज। हाँ। हाँ। सच में? शिव शंकर शंभो नमामि। शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी। शंकर शिव शंकर शंभु। नमस्कार स्वामी जी, मैं विष्णु बुआ ब्रह्मचारी। महाराज ने मुझे यहाँ खास मुंबई से बुलाया है। कुछ दिनों से मैं यहाँ हवेली में प्रवचन दे रहा हूँ। आपके बारे में मुझे महाराज ने बताया। मैं आपके पास वेदांत चर्चा करने के लिए आया हूँ। स्वामी जी मुझे बताइए, ब्रह्म तदाकार वृत्ति क्या होती है, उसे कैसे पहचाने, उसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? स्वामी जी मैंने पूछा ब्रह्म तदाकार वृत्ति क्या है। स्वामी महाराज की जय हो। स्वामी हम नेऊर गांव, पूरा चातुर्मास बीत गया, बारिश ही नहीं हुई। सब जगह सूखा पड़ा है, खेती भी बिना पानी के सूख गई, पीने के लिए भी पानी नहीं है। सारे पशु बिना पानी के तड़प रहे हैं। इस साल बारिश नहीं हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। भगवान को खुश करने के लिए अनुष्ठान किया, पूजा अर्चा की, भगवान शंकर का अभिषेक किया, गणेश का व्रत भी किया। स्वामी आप ही हमारे माता पिता, आप ही हमसे नाराज हुए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। दया कीजिए स्वामी, दया कीजिए। वरस गांव के लोगों ने भी पूजा अर्चा की, वहाँ पे काशी विश्वेश्वर का बड़ा मंदिर है, वहाँ पे भी अभिषेक चल रहा है। स्वामी दया कीजिए स्वामी। ये सब झूठ है, अनपढ़ लोगों के अंधश्रद्धाओं का फायदा लेने वाले ये कोई धोखेबाज लगते हैं। मैं क्या कहता हूँ, हमें उनका अनुभव नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, बड़ा जागरूक स्थान है। नहीं नहीं, ये सब तो कहने की बातें हैं। किसी ने कुछ देखा है क्या? लोग कुछ भी बोलते हैं। ए बामन का बच्चा, ज्यादा बकबक मत करना, चलो काशी विश्वेश्वर के वहां चलो। We'll be right back.
क्या हुआ रे, तुम ऐसे अचानक क्यों उठ गए? कोई सपना देखा क्या? हाँ हाँ, मैंने सपना देखा। कई सारे बिच्छू मेरे शरीर पे गिरे और मुझे डंक मारा। हैं, तुमने उस स्वामी पे शक किया ना, उसकी वजह से हुआ होगा। नहीं नहीं, वो स्वामी है ही नहीं। कल देखना, उसे सबक सिखाता हूँ। अरे ये देखो, इस सपने के बारे में किसी से भी कुछ मत कहना, वरना लोग मजाक उड़ाएंगे। स्वामी जी, मैं कल पूछा हुआ सवाल फिर से पूछता हूँ। ब्रह्म तदाकार वृत्ति क्या है? आप अगर सच में स्वामी जी हो तो इसका जवाब दीजिए। हरामखोर, सपने में जब हजार बिच्छू दिखे तब याद आई क्या तुम्हें ब्रह्म तदाकार वृत्ति? सपना देखकर चिल्लाते हुए उठते हो और यहाँ आके वेदांत की भाषा? ये सपने के बारे में कैसे जानते हैं? क्यों रे, मैं बताता हूँ। तुमने किसी को कुछ कहा क्या? अरे ऐसा क्यों करते हो? सुबह से मैं तुम्हारे ही साथ हूं ना। सच में? मतलब स्वामी जी सच में अंतर्ज्ञानी है? हमने व्यर्थ ही उन पे शक किया। पढ़त मूर्ख कहीं का, ब्रह्म तदाकारिता क्या ऐसे ही समझ में आती है? स्वामी जी, स्वामी क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। हम आपको पहचान नहीं पाए। आप सर्वज्ञानी हो, आप परमेश्वर हो। इतनी बकवास बातें करके, ब्रह्मज्ञान बता के, बढ़ा चढ़ाकर वेदांत की बातें करते हो, तो खुद को क्या योगी समझते हो? गलती हो गई स्वामी, गलती हो गई। किताबी ज्ञान और प्रत्यक्ष अनुभव, इसमें बहुत फर्क है। जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हो तो प्रत्यक्ष अनुभूति पाओ। जीवन में अगर कुछ क्षण भी निर्विचार हो जाओ तो बहुत कुछ पाओगे। स्वामी जी, अब मैं आपका दासानुदास हो गया हूँ। मुझे दीक्षा दीजिए स्वामी जी, दीक्षा दीजिए। स्वामी जी, ये माधवराव बिंचुरकर। स्वामी, पिछले कई दिनों से मेरे पैर पर श्वेत कुष्ठ का दाग दिख रहा है स्वामी। ये दाग पूरे शरीर पर फैल न जाए, इसका डर है स्वामी। तेरे हाथ में क्या है? अंगूठी। उसमें रत्न कौन सा है? सफेद। फेंक दो वो अंगूठी। सुंदरा, लो वो अंगूठी, मंदिर बांधने के काम आएगी हमारे। स्वामी के भक्तों को लूटकर अपना पेट पालने में सुंदरा बाई अव्वल स्थान पर थी। ऐसा नहीं कि स्वामी नहीं जानते थे, लेकिन सुंदरा बाई का पिछले जन्म का पुण्य इतना ज्यादा था कि स्वामी सही घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। आप अभी कोई चिंता मत कीजिए। हे दत्त गुरु, मैंने आज तक इतने अनुष्ठान किए, गुरु चरित्र का पारायण किया, लेकिन इस जन्म में मुझे आपका दर्शन मिलेगा ऐसा लगता नहीं है। अलख निरंजन। प्रभु, आप कौन हो? प्रभु, आप कौन है ये पामर नहीं जानता, जानने का कोई कारण भी नहीं, लेकिन आप तो दिव्य और साक्षात्कारी पुरुष लगते हैं। आप कौन है प्रभु? अरे गधे, गुरु चरित्र का पारायण किया ना? हाँ। फिर? अरे करदली वन में गुप्त होते समय मैंने वचन दिया था अपने शिष्यों को फिर से प्रकट होने का। क्या आप साक्षात नृसिंह सरस्वती? हाँ, मैं ही नृसिंह भान, मैं ही श्रीपाद श्री वल्लभ, मैं ही माणिक प्रभु।
पत्रे पत्रे तु देवाश्च वृक्ष राजायते नमः। तुम्हें मेरा दर्शन चाहिए था ना, लो जी भर के लो मेरा दर्शन। स्वामी 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 सुंदराबाई नहीं है इसलिए बताता हूं। आप उस सुंदराबाई की बात क्यों सुनते हो? उसने आपके नाम का धंधा बना के रखा है, धंधा। मिठाई की थालियां, नारियल, नए कपड़े, पैसे घर में जमा करके रखे हैं, और आप उसे कुछ भी नहीं बोलते। अरे मैंने तो सुना है गांव वालों ने उसके खिलाफ कलेक्टर के पास शिकायत की है, नहीं क्या? चोड़प्पा। अरे पागल, ऐसे भागते भागते क्यों आए हो? क्या हुआ? खबर ही ऐसी है। मतलब? वो कानफाटिया, वो पुलिस को चकमा देके जेल से भाग गया ना। मतलब स्वामी, हे भगवान, अरे स्वामी स्वामी मुझे बचा लो। वो कानफाटिया, स्वामी जाने दो, मैं जाता हूं, मैं घर जाता हूं और छुप के बैठता हूं। ये कानफाटिया कौन है? लगता है आप यहाँ पे नए हैं। अरे ये कानफाटिया स्वामी का एक भक्त है, पार जैसा शरीर है उसका। स्वामी छोड़ के किसी भी भगवान का नाम लिया तो गुस्सा होता है वो। बाप रे। चोड़प्पा और सुंदराबाई उसे बिल्कुल पसंद नहीं, स्वामी का धंधा बना दिया दोनों ने। एक भक्त को मारा इसीलिए उसे अंदर कर दिया, वहां से भाग के आया वो। अब चोड़प्पा की खैर नहीं। चोड़प्पा। स्वामी। चोड़िया। चोड़िया। अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चोड़िया। चोड़प्पा। स्वामी 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 स्वामी, अरे स्वामी, आपके बिना अन्न का एक निवाला भी मैं खा नहीं सका। जेल में अन्न तक नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। स्वामी स्वामी, आज आपका दर्शन लेके धन्य हो गया, लेकिन कुछ बाजारू लोगों ने आपका धंधा बना दिया है। चोड़िया चोड़िया चोड़िया, चोड़प्पा समझ के ब्राह्मण के गर्दन पर कानफाटिया ने जो तलवार से वार किए उससे उसे कुछ नहीं हुआ। ये भी स्वामी जी की कृपा थी, उससे मानो उस ब्राह्मण का पुनर्जन्म हुआ। कौन है आप? क्या काम है आपका? मैं नागू अन्ना कुलकर्णी। अच्छा, मोरगांव से। हाँ हाँ हाँ। स्वामी यही पे है ना? स्वामी तो यही है, लेकिन देर लगेगी दर्शन में। मैं बहुत दूर से आया हूँ। अरे सब लोग ऐसे ही कहते हैं, दूर से आया हूँ दूर से आया हूँ। थोड़ी दक्षिणा दोगे तो दर्शन जल्दी हो जाएगा। स्वामी ये नागू अन्ना क्या कह रहे हैं देखो तो। अरे ये बेकार के झमेले मेरे गले में क्यों बांधती हो? थोड़ा आराम से बैठा हूं तो ये कौन से झंझट लाती हो तुम मेरे पास? मैं मोरगांव का वकील हूं, 40 साल की उम्र में दृष्टिहीन हो गया, इसलिए बहुत दुखी हूं। इसलिए मैंने तुलजापुर की देवी का अनुष्ठान किया, देवी ने दृष्टांत दिया और यहां भेज दिया। यहां क्यों आया? पंढरपुर जाओ,
देवी ने यहाँ भेजा, ये पंढरपुर भेज रहे हैं। काम होने वाला ही नहीं तो इतना कष्ट क्यों? ठीक है, पंढरपुर में जाके एक बार फिर कोशिश करता हूँ। क्यों रे बरव्या, ऐसे काम करते हो? स्वामी महाराज, ठीक पहचाना आपने। इस सुंदर बाई की ऊपर तक बहुत सारी शिकायतें आई है, लेकिन वो रानी साहिबा की खास है, इसलिए उन्हें हाथ लगाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। पर अब ऊपर से आदेश आया है, इसलिए उन्हें हटाना ही पड़ेगा। अब आपने इजाजत दे दी, इसलिए हमारा बोझ थोड़ा हल्का हो गया। नहीं नहीं स्वामी, स्वामी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। स्वामी स्वामी मैं आपके चरणों में माथा पटक के जान दे दूंगी, लेकिन मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। स्वामी, आज तक मैंने आपको माँ की समान माना, पर अब सरकार का हुकुम है, इसका कोई इलाज नहीं। अयो हे भगवान, स्वामी स्वामी ये क्या बोल रहे हैं? देखो तो स्वामी महाराज, आज से सरकार की तरफ से आपकी सेवा के लिए पंचमंडल की स्थापना की गई है, और उसके प्रमुख पद पर बाड़प्पा महाराज की नियुक्ति की गई है। अरे देख क्या रहे हो, इसे उठा के फेंक दो बाहर, इसकी जमा की हुई संपत्ति जब्त कर लो। चलो चलो जल्दी, उठा के फेंक दो उसे। स्वामी चलो, स्वामी स्वामी स्वामी। इन आंखों के लिए बहुत घूमना पड़ा, मोरगांव से तुलजापुर, तुलजापुर से अक्कलकोट, और अब यहाँ। अरे इतना किस लिए घूमे? देवी का अनुष्ठान किया तुलजापुर में, देवी ने दृष्टांत दिया और अक्कलकोट में एक स्वामी के पास भेजा। ठीक है, उन्होंने पंढरपुर जाने को कहा। ऐसा? पर एक बताइए, शारीरिक व्याधि होने के बाद आप दैवी शक्तियों पर विश्वास करते हैं? अरे आप जैसे सीखे हुए लोगों ने अंधश्रद्धाओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, जब पता चला आप पंढरपुर में हैं। रहने दो, आपकी आंखों पर शल्य क्रिया करनी होगी। मुझे मुझे कब आना पड़ेगा? अरे अभी अभी करूंगा। इसके लिए कितना पैसा लगेगा? 50 रुपए हो जाएंगे। 50? हाँ। उतने तो मेरे पास नहीं है अभी। ये देखिए, आप वापस आने के बाद दे दीजिए, बाद में। क्यों? जैसी आपकी इच्छा। जनार्दन, मैं देख सकता हूँ, बिल्कुल साफ। वैद्य बुआ ने तो कमाल कर दिया, लेकिन आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ चुभ रहा है। उस वैद्य बुआ के पास जाएं क्या? नहीं, तुम यहीं रुको, मैं जाके आता हूँ। ये देखिए, यहाँ कोई वैद्य वगैरह नहीं रहता। अरे ये क्या बोल रहे हो, उन्होंने ही तो मेरी शल्य क्रिया की, 3 दिन पहले यही आया था मैं। देखिए, पिछले 15 साल से मैं पंढरपुर में रह रहा हूँ, आपकी कुछ गलतफहमी हुई है। बाप रे, तो इसका मतलब प्रत्यक्ष स्वामी? स्वामी ने चमत्कार से मेरी आंखें ठीक कर दी, और मैं पागल उनपे शक कर रहा था। स्वामी समर्थ, स्वामी समर्थ, स्वामी समर्थ। स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ।
क्यों? आंख में जब छुरी गई तब दर्द तो नहीं हुआ ना? स्वामी स्वामी आप धन्य हो, मैं ही आपकी महानता नहीं पहचान सका। अरे तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पर, इसलिए तुम्हें पंढरपुर तक जाना पड़ा। स्वामी स्वामी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मेरी जान लेगा। इससे तो अच्छा मैं अंधा ही था। अरे गधे, आंखों में मूत्र डालो, ठीक हो जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। और क्या रे, हमारे 50 रुपए कौन देगा? मुझसे गलती हो गई। ए ए बाबा, ये मेरे पास मत दो, उस चोलप्पा के पास दो, मठ के निर्माण में काम आएंगे। जैसी आपकी इच्छा। स्वामी, मठ का काम अब पूरा होने को है। आपने शंकर राव से संबंध तोड़ दिया, उसके बाद आपके आज्ञा अनुसार उन्होंने राम मंदिर के पास मठ बनाया है। 30,000 रुपए खर्चा हुआ। ठीक है, हम पादुकाओं की स्थापना कर देते हैं। मुंबई से दर्शन के लिए आए हरिभाव को अपना उत्तराधिकारी बनाने का स्वामी जी ने निर्णय ले लिया। हरिभाव यानी स्वामी सूत ने स्वामी जी की आज्ञा अनुसार अपना घर बार छोड़ दिया, संन्यास आश्रम लिया। स्वामी जी के भक्तों में स्वामी सूत का नाम सबसे अव्वल स्थान पर था। स्वामी, आप यहां शमशान में क्यों बैठे हैं? हम कहीं भी बैठेंगे, तुम कौन हो पूछने वाले? सच है, आप त्रैलोक्य के स्वामी हैं, ये सब आपका ही है। दरिया किनारे क्या चल रहा है? स्वामी, पिछली बार जब अक्कलकोट आया था तब आपने ही मुझे अपना सूत बनाया, आपकी पताका कायम रखने की आज्ञा की, चांदी की पादुकाएं दी, वो लेके मैं मुंबई गया। कांदेवाड़ी में आपका मठ स्थापन किया है स्वामी, मेरे घर की हर एक वस्तु मैंने बेच दी, पूरी निष्कांचन वृत्ति से मैंने संन्यास आश्रम लिया है स्वामी। बहुत खूब, अच्छी तैयारी है। लेकिन स्वामी, मेरी पत्नी तारा, उसे मेरा ये निर्णय पसंद नहीं, बहुत रोना धोना झगड़े हुए हमारे, लेकिन मैंने नहीं सुना। उसके मंगलसूत्र के साथ सब वस्तुओं को मैंने बेच दिया। अरे कच्चे मटके हैं वो, जीवन के माया जाल में फंसने वाले, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। स्वामी दया कीजिए, स्वामी मैं गरीबी से त्रस्त हूं, खाने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, बच्चे खाली पेट सो रहे हैं, कहीं मजदूरी करने के लिए जाऊं तो ब्राह्मण इसलिए कोई कुणबी का काम भी नहीं देता। चुप, बहुत बक 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 करता है, जा उधर क्या है वो देखो। चिता है स्वामी। अरे उसके नीचे क्या है वो देखो, आजू बाजू में क्या है वो देखो। हड्डियां है स्वामी। उसमें से जितना चाहते हो ले जाओ और अपने बाल बच्चों को खिला दो, जाओ। स्वामी आप ये क्या कह रहे हो? मैं गरीब हूं लेकिन धर्मरोधी नहीं, हड्डियां ले लूं? शिव 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 शिव। ए हरामखोर, तेरे शरीर में क्या है? हड्डियां ही ना, तो उन्हें शरीर में रखने से तुम भ्रष्ट तो नहीं ना हो जाते? मैं जितना बताता हूं उतना करो, चलो जाओ जाओ। ठीक है, गुरु का आदेश मानना चाहिए, ये तो पुराण में लिखा है। परमेश्वर बचा लो। Thank you.
इन हड्डियों का घर ले जाकर क्या करूं? जाने दो, इसे यहीं फेंक देता हूं। चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। क्या रे, चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे स्वामी जी ने अभी चिता की हड्डियां लेने के लिए कहा। मैंने एक हड्डी ले ली, उसका सोना हो गया। ये देखो। मूरख, तो सिर्फ एक ही क्यों लिया? चलो और लेके आते, चलो। हाँ हाँ, चलो चलो। स्वामी, आपके जैसा शाश्वत सुवर्ण छोड़ के ये लोग हड्डियां क्यों जमा कर रहे हैं? लोगों को सिखाकर प्रज्ञावान बनाना पड़ता है बाबा। ये बहने वाला पानी है, ये नीचे ही बहेगा, उसे अध्यात्म का बांध डालना पड़ता है, नहीं तो ये हड्डियां ही जमा करते रहेंगे। देखो देखो। क्या रे, किधर सोना हुआ? कुछ समझ नहीं आया, इस एक ही हड्डी का सोना कैसे हो गया? अपना परम भक्त चोड़प्पा और अन्य भक्तों के साथ स्वामी जी वाड़ी गए। वाड़ी में चोड़प्पा को ज्वर हुआ। सारा जीवन स्वामी जी की सेवा करने वाले चोड़प्पा का अंत नजदीक आ गया था। 1799 अश्विन शुद्ध नवमी को चोड़प्पा स्वर्गलोक चले गए। अलख निरंजन। स्वामी, आजकल ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ दिनों से यही चल रहा है, कहां भी खड़े होते हैं, अलख निरंजन कह के पैसे जमा करते हैं। किसके लिए कर रहे क्या मालूम? स्वामी, ये लो। क्या है स्वामी? अरे अरे, पैसे मिल गए, 125 रुपए हो गए। ये किस लिए? रख लो। हाँ हाँ चोड़िया, तेरे ऋण से मैं अभी मुक्त हो गया रे बाबा। स्वामी स्वामी, आप क्या कह रहे हो? मुझे भक्त को दूर क्यों कर रहे हो स्वामी? चोड़िया, अरे हर किसी को दूर जाना ही पड़ता है रे, और बाकी सब पास है ना? हाँ? नहीं स्वामी, आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है स्वामी। तुम्हें नहीं समझेगा, तुम सो जाओ। हाँ, कहता हूं ना, सो जाओ। हाँ, 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 आप हो ना स्वामी? हाँ, हाँ, हाँ। सुबह से मुझे बुखार है स्वामी, पूरा पूरा बदन गर्म है। चोड़िया चोड़िया, तुम सो जाओ। हाँ, सो जाओ। हाँ, सो जाओ। हाँ, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है ना? सो जाओ। हाँ, सो जाओ। हाँ, हाँ, सो जाओ। हाँ, हाँ, सो जाओ। हाँ, हाँ, स्वामी स्वामी। अरे गांव वालों, इधर आओ। आओ आओ। ये समस्या तो गंभीर है, इसे तो कॉलर आने पकड़ा है, इसका बचना तो मुश्किल है। अब तो मृत्यु की राह देखना ही हमारे हाथ में है। स्वामी, थोड़े फल तो खाइए। चोड़िया, क्या
क्या स्वामी? ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं महाराज, वो मेरे समाधि की तैयारी कर रहे हो? नहीं नहीं स्वामी। पर ध्यान में रखो, पहले तुम्हें इसमें गाड़ूंगा और फिर मैं जाऊंगा। स्वामी, आज आप इतने उदास क्यों हो? क्या करूं, चोड़िया की संगत छूट गई, ये विरह सहन नहीं होता। उसके बिना कहां जाऊं, मेरी लीलाएं किसे दिखाऊं? सात जन्मों का साथी चला गया, अब मेरे भी जाने का समय हो गया। ऐसा ना कहिए स्वामी, ऐसा ना कहिए। स्वामी जी की महानता का सुगंध अनेक वर्षों तक सिर्फ अक्कलकोट में ही नहीं पूरे भारत में फैल रहा था। एक साल पहले ही स्वामी जी ने लोगों को अपने महानिर्वाण की सूचना दे दी थी। स्वामी, आप आपका अवतार कार्य समाप्त करने वाले हैं, ये सच है क्या? आपके बिना इस पृथ्वी पर जीने की कल्पना ही नहीं की जाती। मुझे आज्ञा दे दो, मैं मुंबई जा रहा हूं। अरे अरे, उसे कोई रोक लो, न जाने वो क्या कर बैठेगा, उसे कोई रोक लो। चलो, जंगम मठ के तरफ जाना चाहिए। स्वामी, चमत्कार हो गया, शिवलिंग को आग से कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा आग में तपने से उसका तेज बढ़ गया महाराज। हाँ, जाओ 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 तुम, भगवान तुम्हारा भला करे। बाड़िया, ए बाड़िया, अरे उस
उस स्वामी सूत का क्या हुआ बाबा? नहीं स्वामी जी, आपकी आज्ञा के अनुसार उन्हें कई संदेशे भेजे, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अरे फिर कोई उसे पकड़ के तो लाओ। नहीं स्वामी जी, उसका कुछ फायदा नहीं। बढ़िया, वो अगर आया नहीं ना तो हम उसका झोपड़ा जला देंगे। कोई उसे वापस लाओ। लेकिन स्वामी जी, स्वामी सुत को इतनी जिद नहीं करनी चाहिए थी। अरे अरे उसे सब पता है, इसलिए वो नहीं आता। और सुनो बाड़िया, अब हमें बहुत दूर जाना है स्वामी जी। बहुत बहुत ऊंचा जाना है हमें। बाड़िया बाड़िया, वहां पर आकर तुम हमारी सेवा करोगे क्या रे बाबा? स्वामी जी ये कैसी अशुभ वार्ता दे रहे हो? नहीं स्वामी जी, नहीं। पागल हो गए हो तुम पागल। बाड़िया उठो उठो बेटा। बहुत बार बुलाने पर भी स्वामी सूत आए नहीं, इसलिए स्वामी सूत के बंधु को स्वामी ने अपना उत्तराधिकारी निश्चित किया। इस प्रकार अनेक भक्तों को सन्मार्ग दिखाते दिखाते, उनके दुख दूर करते करते स्वामी जी ने चैत्र वद्य त्रयोदशी शके 1800 इस रोज अपने कार्य की समाप्ति कर दी। इसके पहले स्वामी से दूर हुई सुंदराबाई स्वामी की सेवा के लिए लौट आई, लेकिन अब उसका वो अधिकार नहीं रहा था। स्वामी स्वामी, बाहर आपके हजारों भक्तगण आपकी राह देख रहे हैं। स्वामी स्वामी, ये क्या कर दिया आपने? खाना भी छोड़ दिया, वैद्य की दवाई भी नहीं लेते आप। शिव शंकर नमामि शंभो, शंकर शिव शंकर शंभो। स्वामी ये थोड़े से चावल लाई हूँ, ये तो खा लीजिए आप। शिव शिव शिव। अब आप कब ठीक हो जाओगे? पहाड़ बोलेंगे तब, पंढरी जल जाएगी तब मैं उठूंगा। बाड़िया ए बाड़िया, थोड़ी सुपारी तो दे दो। जी स्वामी जी, स्वामी जी ये कैसा न्याय है? भक्ति विकल्प रहित भावना से करो, ईश्वर सच्चे भाव का भूखा होता है। आलसी मनुष्य का मुंह भी मत देखो, हर किसी ने परिश्रम करने चाहिए। जितना चाहिए उतना ही कमाना, हमेशा मेहनत करने वाले आदमी के पीछे परमेश्वर हमेशा खड़ा रहता है। विद्वत्ता का गर्व करने से अच्छा
हरेक ने अपना अंतकरण कितना अच्छा है वो देखना चाहिए। शुद्ध अंतकरण से परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। परमेश्वर भक्ति के लिए निष्काम कर्म करना चाहिए। गुरु की सेवा करते हुए शर्माना नहीं बिल्कुल। जो धर्म के अनुसार चलता है उसका ही विजय निश्चित है। जिसके दर्शन से पाप नष्ट होकर पुण्य मिलता है वही साधु और सबसे महत्वपूर्ण ये है, अपने दुखों का दोष और किसी को या प्रारब्ध को नहीं देना चाहिए। प्रारब्ध को भोग कर ही भोग समाप्त हो जाते हैं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं देह से नहीं पर मेरा आत्मा यहीं रहेगा। स्वामी, मुझे अब वटवृक्ष के पास जाना होगा। बाड़प्पा, अब इस मठ की व्यवस्था तुम देखोगे। तू भिऊ नकोस, मी तुझा पाठीशी आहे। तू भिऊ नकोस, मी तुझा पाठीशी आहे। तू भिऊ नकोस, मी तुझा पाठीशी आहे। अनन्याश्चितयन्तु मा ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमवहाम्यहम्। स्वामी ने भले ही देह त्याग दिया हो आज भी वो भक्तों को दर्शन देते हैं, उनकी पुकार सुनते हैं और भक्त आज भी अक्कलकोट बड़े भक्तिभाव से स्वामी के दर्शन के लिए जाते हैं और आज भी भक्तों को स्वामी पर उतना ही भरोसा है। भिऊ नकोस, मी तुझा पाठीशी आहे। महाराज श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। Thank you.